क्लास वेलकम इन बालाजी भाई आकाश निगम। और आज की क्लास में जो डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, वो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हैं वेरियस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। कैसे कैसे टाइम के साथ अलग अलग साइंटिस्ट आए हैं और उन्होंने मतलब जितनी भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल थी हमारी अर्थ पे, उनको किस तरीके से अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया था। तो पहला सिस्टम जो दिया गया था दैट वाज टू किंगडम क्लासिफिकेशन, देन आया थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम एंड इन द एंड सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, इसको देने वाले कौन थे? कैरोलस लिनियस। अब कैरोलस लिनियस का नाम आपने सुना हुआ है, इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और इन्होंने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किसी भी साइंटिफिक नेम में कितने वर्ड्स होते हैं? दो। फर्स्ट इज जीनस नेम, सेकेंड इज स्पीसीज नेम। जीनस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। बोथ द लेटर हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट बी एबल टू राइट देम इन इटैलिक्स। सपोज इफ यू आर टेकिंग एग्जाम्पल लाइक मैंगो, देन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विल बी मैंगीफेरा इंडिका। तो जीनस कैपिटल से और स्पीसीज स्मॉल से, और दोनों को अलग अलग क्या किया गया? अंडरलाइन किया गया। नेक्स्ट, तो जो कैरोलस लिनियस है उन्होंने जितनी भी ऑर्गेनिज्म एट दैट टाइम अवेलेबल थी उनको डिवाइड किया प्लांटी और एनिमिलिया, केवल दो ग्रुप में। ठीक, अब नेक्स्ट किसने दिया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया गया। और इसको देने वाले कौन थे? आर्नेस्ट हकल थे। पिछली क्लास में डिस्कस किया था आर्नेस्ट हकल के और कॉन्ट्रीब्यूशन। यही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था, कौन सा टर्म? प्लास्टिड। और इन्होंने ही बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी को भी दिया था। तो इन्होंने सारी ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल किया या क्लासीफाई किया तीन अलग अलग किंगडम में, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटी। अब भाई बच्चों के लिए तो ये मतलब एक डिफ़िकल्ट टास्क था, अगर डिवीजन बढ़ता जा रहा है तो याद करना तो डिफ़िकल्ट होगा। तो ये याद रखिएगा कि साइंटिस्ट ने क्या किया? एक तरह का पाप किया। तो पाप से आप कैसे याद रखोगे? प्रोटिस्टा, एनिमिलिया एंड प्लांटी। अब फिर अगला किंगडम कौन आया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले कौन थे? कोपलैंड थे। इन्होंने फिर से बच्चों के अगेंस्ट काम किया। तो अब उन्होंने पाप किया था, इन्होंने महापाप किया। महापाप से कैसे याद रखेंगे आप? M फॉर मोनेरा, P फॉर प्रोटिस्टा, A फॉर एनिमिलिया एंड अगेन P फॉर प्लांटी। ठीक, अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन टिल डेट। इसको देने वाले कौन थे? RH विटाकर। इन्होंने क्या किया? सारी ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा जो था वो इंक्लूड करा था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट, और बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया उन यूकेरियोट्स को इंक्लूड कर रहा था जो क्या थे? मल्टी सेल्यूलर थे। क्लियर है? कैसे थे? मल्टी सेल्यूलर थे। फिर आया सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको देने वाले कौन थे? कार्ल वूज। इन्होंने क्या किया? सारी ऑर्गेनिज्म को छः किंगडम में, या फिर यूं कहें सारी ऑर्गेनिज्म को तीन अलग अलग डोमेन में क्लासीफाई किया। पहली डोमेन आर्किया, जिसके अंदर कौन से बैक्टीरिया आते थे? आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, जिसमें यू बैक्टीरिया आए। और लास्ट वन इज यू कैरिया, मतलब इन्होंने जस्ट इतना सा काम किया कि मोनेरा को डिवाइड कर दिया आर्किया में और यू बैक्टीरिया में। तो मोनेरा की जगह पर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया हो गया, रेस्ट प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया एज इट इज रहे। मीन्स आर्किया आर ऑल्सो प्रोकैरियोट, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रोकैरियोट, बट यू कैरिया नाम में ही क्लियर है, यू कैरिया है, बट फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, आउट ऑफ दीज फोर यू कैरिया, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया आर मल्टी सेल्यूलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वाइल द प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्यूलर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा की बात करेंगे, वो भी प्रोटिस्टा भी दो तरह के होते हैं, प्रोटोजोआ और प्रोटोफाइटा। ऐसे प्रोटिस्टा जो एनिमल के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं दे आर प्रोटोजोआ, एंड ऐसे प्रोटिस्टा जो प्लांट के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं दे आर प्रोटोफाइटा। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, और यू बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर सकते। आर्की बैक्टीरिया तीन तरह के होते हैं मेनली, पहले मेथेनोजेंस जो हाई मेथेन कंडीशन में ग्रो करें, एसिडोफाइल्स जो हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करें, और थर्मोफाइल जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करें। तो ये हैं वेरियस किंगडम क्लासिफिकेशन, 2, 3, 4, 5, 6 या फिर 3 डोमेन। तो मेजर आपको क्या याद रखना है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई कैरोलस लिनियस, थ्री किंगडम वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट हकल, फोर किंगडम वॉज गिवन बाई कोपलैंड, फाइव किंगडम गिवन बाई आर एच विटाकर एंड सिक्स किंगडम गिवन बाई कार्ल वूज।
क्या क्या अरेंजमेंट थे ये आपको याद होने चाहिए। ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बट इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करके जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।